आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो यूपीएससी से रिलीज करी गई है। परमानेंट है ये वैकेंसी एंड सैलरी बेस काफ़ी अच्छा रहेगा, डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छे कवर हो रहे हैं। डिटेल मैंने कवर कर दिया तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड उसके अलावा अलाउंसेस भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर जाओगे, उसके बाद आपको आना है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पे। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है एंड इवन असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशलिस्ट ग्रेड थ्री की भी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज करी गई है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कवर करे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर बीबीए का, कॉमर्स एंड जर्नल एंड कॉर्पोरेट, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, म्यूजिक, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। तो ये कुछ डिपार्टमेंट है। सपोज़ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इकोनॉमिक्स के अंदर तो यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक दे रखा है। एंड अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर पोस्ट लिंक पे ही आपको क्लिक करना है जहाँ पे मेंशन कर रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको प्रॉपर इंटरफेस ओपन हो जाएगा, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, कहाँ आपकी रिक्रूटमेंट होगी एंड कितना सैलरी बेस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सब डिटेल में दे रखा है। तो ये 1 ईयर के प्रोबेशन पीरियड पे रहेगी। हेडक्वार्टर्स इसका दे रखा है आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर है। एंड यहाँ पे आपकी कोई क्वालिफिकेशन दे रखी है आपको, लाइक मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स एंड आपको नेट गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बेसिस पे यहाँ पे आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ड्यूटीज़ दे रखी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, लाइक पढ़ाना तो है ही, उसके अलावा कितनी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, कौन से कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, वो डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे प्रॉपर डिटेल दे रखा है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई करने के लिए एंड अप्लाई का लिंक आपको इस जॉब के सामने ही दे रखा है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी रिलीज करी गई है, लाइक प्लास्टिक सर्जरी, यहाँ पे यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स। तो अगर आप उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट से हो तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर डिटेल देखने को मिल जाएंगी, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट ऑब्वियसली आपको देखे गया होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलीज़ करी गई है। इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से जाकर चेकअप करिएगा। एंड लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 2 मई, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए, टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।